नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस I2C LCD के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से I2C LCD काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नॉर्मल पैरेलल कम्युनिकेशन आजकल काफ़ी कम यूज में लिया जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको I2C LCD से रिलेटेड एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, I2C LCD से हम एक ही लाइन के थ्रू मल्टीपल LCD कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमें उनका I2C एड्रेस चेंज करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि I2C LCD का एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक ब्रेडबोर्ड यूज में लेते हैं और ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक आर्डिनो कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आर्डिनो नैनो यूज में लिया है, आप कोई भी आर्डिनो यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों, मैं I2C LCD यूज में लेता हूँ और इससे मैंने 4 वायर ऑलरेडी कनेक्ट कर रखे हैं, तो इन्हें भी मैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा देता हूँ। अब दोस्तों, हम LCD और आर्डिनो के बीच में कनेक्शन करते हैं। लीजिए दोस्तों, कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम एक USB पिन लेते हैं, उसे हम आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ हम इसे PC से भी कनेक्ट कर देते हैं। लीजिए दोस्तों, अब हम आर्डिनो IDE ओपन करते हैं और इसके अंदर हमने I2C LCD का कोड ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब हम सिंपली इस कोड को अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर बोर्ड, प्रोसेसर और पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। लीजिए दोस्तों, कोड अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LCD पर कुछ लिखा आ रहा है। अब दोस्तों, हम इस कोड को देखते हैं तो यहाँ पर एक I2C एड्रेस दिया गया है जो कि है 0x27। तो ये I2C LCD का डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है। अगर हम एक से ज़्यादा LCD यूज में ले तो हमें यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस डालना होगा, बट हम इस I2C एड्रेस को चेंज कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ LCD के बैक साइड में कुल 3 जम्पर दिए हुए हैं, A0, A1 और A2। हम इन जम्पर को शॉर्ट करके I2C एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कितने भी जम्पर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, 1, 2 या 3, और कोई सा भी जम्पर शॉर्ट कर सकते हैं, बट इन जम्पर के अकॉर्डिंग इनका I2C एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल हम A1 जम्पर को शॉर्ट करते हैं और अब हम वापस आर्डिनो को पावर से कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि LCD पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका I2C एड्रेस चेंज हो चुका है। अब हमें इस LCD का I2C एड्रेस चेक करने के लिए एक नया कोड यूज में लेना होगा जो कि है I2C स्कैनर। इस कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोड को हम अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद जब हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है I2C डिवाइस फाउंड एट एड्रेस 0x26। इसका मतलब है कि 26 एड्रेस पे एक I2C डिवाइस कनेक्टेड है। तो दोस्तों, ये जो LCD कनेक्टेड है, इसका नया एड्रेस है 26 और पहले इसका एड्रेस था 27, क्योंकि हमने यहाँ पर एक जम्पर को शॉर्ट कर लिया, इसलिए इसका एड्रेस चेंज हो चुका है। अब दोस्तों, हम फिर से यहाँ पर LCD के कुछ जम्पर को शॉर्ट करके देखते हैं। दोस्तों, A2 को शॉर्ट करते ही यहाँ पर I2C एड्रेस जो है 22 हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 3 जम्पर है और इन 3 जम्पर से हम टोटल 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इन 8 कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम 8 LCD कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फिर से I2C LCD का कोड ओपन करते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने से पहले यहाँ पर हम इसका एड्रेस भी चेंज कर देते हैं जो कि है 0x22। लीजिए दोस्तों, कोड अपलोड हो चुका है और अपलोड होते ही LCD पर कुछ करेक्टर्स लिखे आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप यहां पर I2C एड्रेस को रीड करके चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल LCDs यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, कोड में भी आप इस फंक्शन को अलग अलग I2C एड्रेस के लिए मल्टीपल जगह यूज में लेकर मल्टीपल LCDs को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।